टीचर एक कुम्हार है और उस कुम्हार कच्ची मिट्टी का घड़ा को अपने से एक शेप देता है और उसको आग में तपाता है और एक अच्छे चित्र का निर्माण। आजकल क्या हो गया है कि स्टूडेंट समझते हैं कि मैं किसी स्कूल में जा रहा हूँ, किसी कोचिंग में जा रहा हूँ, किसी कॉलेज में जा रहा हूँ और मैं उस कोचिंग का, उस स्कूल का, उस कॉलेज का मैं एक कस्टमर हूँ। छात्र जो है वो मेरा प्रोडक्ट है, मैं उसको तैयार करता हूँ, मैं उसको आकार देता हूँ, मैं उसको मजबूती देता हूँ, वो मेरा प्रोडक्ट है, वो मेरा क्रिएशन है, मैं उस पर काम करता हूँ, मैं उसको अपना अपना क्रिएशन मानता हूँ। एक अच्छा शिक्षक जो होता है वो इंफॉर्मेशन देता है, वो बोलता है, बताता है, बट जो उससे अच्छा टीचर होता है, जो बेटर टीचर होता है, वो क्या करता है कि वो सिर्फ बताता नहीं है बल्कि दिखाता भी है, वो डिमॉन्स्ट्रेट भी करता है। और जो उससे भी अच्छा टीचर होता है वो एक्सप्लेन करता है, और जो उससे भी ज्यादा अच्छा टीचर होता है वो इंस्पायर करता है, वो आपको प्रेरित करता है। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, दुनिया में दो ही रिश्ते होते हैं जो आपको सुधारते हैं, पहला पेरेंट का और दूसरा टीचर का, क्योंकि बाकी की दुनिया सिर्फ और सिर्फ सजा देती है। दैट्स पेनफुल बट ट्रू। तो दोस्तों, आज हम लोग सक्सेस विद अभिषेक के अगले एपिसोड में आपके साथ रूबरू हो रहे हैं और आज हम लोग बात करेंगे टीचिंग पर, इसकी पेडागॉजी पर, किस तरह से एक टीचर अपने करियर को एक नए मुकाम पर ले जा सकता है और किस तरह से स्टूडेंट की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, उनको बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है और स्टूडेंट्स को कामयाब बनाते बनाते टीचर खुद भी एक कामयाब टीचर बन सकता है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर नीरज अग्रवाल सर, जो कि एक एजुकेटर हैं, जो कि सीमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं। तो सीधे बात करते हैं आज नीरज अग्रवाल सर से। गुड इवनिंग सर। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। सीधा सवालों पे आते हैं, क्योंकि सर आपका टीचिंग का एक लंबा करियर रहा है, बतौर ट्रेनर, बतौर कोच, बतौर स्पीकर, आपका 15 से 20 साल का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आज आई जस्ट 23 साल से मैं टीचिंग में हूं। 23 years, इट मींस मोर देन 2 decades, 2 decades से अधिक हो गए हैं सर का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। तो टुडे आई एम गोना मिल्क आउट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस एजुकेटर। सर सबसे पहले ये बताइए कि टीचिंग को आप किस नजरिए से देखते हैं? शिक्षा मेरे लिए साधना है, ये मेरे लिए भगवान को पूजा करने का तरीका है, और मुझे लगता है कि एक ऐसा प्रोफेशन, एक ऐसा कर्म जिसमें मैं लोगों के मन मस्तिष्क को तैयार करने में अपनी भूमिका निभाता हूं, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसी के जीवन में है। और कई तरह के पेशे होते हैं, कई तरह के रोजगार होते हैं, कोई स्वास्थ्य दे रहा है, कोई केस मुकदमे लड़ रहा है, कोई जो है उत्पादन कर रहा है, कोई वस्तु बेच रहा है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही नोबल प्रोफेशन चुना है, और जितने भी शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप धरती पर एक बहुत ही नोबल कार्य कर रहे हैं, आप बच्चों के मन मस्तिष्क को गढ़ रहे हैं, आप वो इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो भगवान के भेजे हुए सुपर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो आपकी जो भूमिका है वो किसी भी के जीवन में, गुरु की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभिषेक कह रहे थे कि दुनिया मजा लेती है, सजा देती है, सिर्फ दो ही हैं जो सिखाते हैं, संवारते हैं और आपको भविष्य के लिए निखारते हैं, और आपकी सफलता में वो खुशी मनाते हैं। आपके दोस्त जो आपके बहुत प्रिय मित्र हैं, अक्सर वो भी ये चाहते हैं कि उनसे, आपसे ज्यादा सफलता उनकी हो। सिर्फ माता पिता और गुरु हैं जो आपकी सफलता की मंगल कामना हर समय करते हैं। बहुत बढ़िया। तो शिक्षक का जो प्रोफेशन है वो बहुत ही एक नोबल कार्य है, वो बहुत ही पायस वर्क है, और मुझे लगता है कि इसकी जो महत्ता है उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। आज जो मैं हूं, आज जो आप हैं, वो अपने विचारों के सिवा, वो अपने ज्ञान के सिवा आप कुछ और नहीं है। मेरा ये मानना है कि मनुष्य अपने विचारों के समुच्चय से अधिक कुछ और नहीं होता, मनुष्य अपने विचारों के समुच्चय से अधिक कुछ और नहीं होता। बाकी शरीर है, सबके पास है, सबके पास जो भगवान की दी हुई जो जो शारीरिक क्षमता है वो है,
बदलाव किस चीज का आता है? बदलाव आता है विचारों से, बदलाव आता है अनुभवों से, और शिक्षक आपको बेहतर विचार शक्ति देते हैं, शिक्षक आपको ज्ञान देते हैं, शिक्षक आपको अपने अनुभवों से, आपको वो उनके जो अनुभव जीवन भर के हैं वो सारा कुछ आपको उड़ेल देते हैं। तो एक तरीके से आप जो बनते हैं वो शिक्षक द्वारा जिस तरह से आपको मोल्ड किया जाता है। मैं शिक्षक की तुलना करूंगा कुम्हार से, जैसे कुम्हार जो होता है वो गीली मिट्टी को लाता है, मिट्टी को गीला करता है, उसको अपने पैर से रौंदता है, उसको मुलायम बनाता है, चिकना करता है, फिर उसको चाक पे चढ़ाता है, चाक को घुमाता है, उसको अपने हाथों से आकार देता है, और फिर उसको आग धूप में पकाता है, आग में पकाता है, उसमें पानी डाल के उसका परीक्षण करता है कि ये इसमें कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, उसको ठोक बजा के देखता है कि ये मजबूत है कि नहीं है, बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरते हैं। यही काम तो शिक्षक भी करता है, वो भी जो गीली मिट्टी है, जो उसमें जो रुकड़ापन है उसको हटाता है, जो कुछ भी दिमाग में मस्तिष्क में गलत विचार है उसको हटाना है और उसको बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है बच्चे को, ताकि वो नए विचारों को ग्रहण कर सके, और उसको फिर वो आकार देना है और फिर उसको वो मजबूती देनी है। आप सोचिए कि पाषाण युग का भी जो मिट्टी का बर्तन होगा वो आपको आज मिल जाता है, क्योंकि वो मिट्टी मिट्टी में मिल नहीं पाती है, इतनी मजबूती आ जाती है। तो शिक्षक जो है वो छात्र को उसी तरीके से दुनिया का सामना करने की मजबूती देता है, और उसके प्रशिक्षण प्रशिक्षण उसको आग में तपाता भी है। कई बार बच्चे को लगता है कि हमको दंड क्यों दिया जा रहा है, मेरा प्रशिक्षण मेरा एग्जामिनेशन क्यों हो रहा है, वो तो कुम्हार ना है, कुम्हार तो वो आपका आपको वो आग में तपाएगा भी, क्योंकि जब आप उस आग में तप के निकलोगे उसके बाद आप में वो मजबूती आ जाएगी कि आप दुनिया का सामना कर सकते हो। दैट्स द पॉइंट। तो टीचर जो है वो कुम्हार है। ओके, बहुत अच्छी बात कही आपने सर, बहुत खूबसूरत बात कही कि टीचर एक कुम्हार है और उस कुम्हार कच्ची मिट्टी का घड़ा को अपने से एक शेप देता है और उसको आग में तपाता है और एक अच्छे चरित्र का निर्माण। आजकल क्या हो गया है कि स्टूडेंट समझते हैं कि मैं किसी स्कूल में जा रहा हूं, किसी कोचिंग में जा रहा हूं, किसी कॉलेज में जा रहा हूं, और मैं उस कोचिंग का, उस स्कूल का, उस कॉलेज का मैं एक कस्टमर हूं। ये बिल्कुल गलत विचार है। छात्र जो है वो मेरा प्रोडक्ट है, मैं उसको तैयार करता हूं, मैं उसको आकार देता हूं, मैं उसको मजबूती देता हूं, वो मेरा प्रोडक्ट है, वो मेरा क्रिएशन है, मैं उस पर काम करता हूं, मैं उसको अपना अपना क्रिएशन मानता हूं। मेरा कस्टमर कौन है फिर? मेरा कस्टमर वो कंपनी है, मेरा कस्टमर वो ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरे छात्र को पसंद करता है कि हाँ आपका प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है, अच्छा है। वो मेरा कस्टमर है, वो आता है और मेरे यहाँ के सारे प्रोडक्ट को देखता है और उसमें से चुनता है कि हाँ भाई आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, जो आपने तैयार किया है, वो सही तैयार किया कि नहीं किया, तो वो मेरा कस्टमर है, उसके लिए मैं अपने प्रोडक्ट को तैयार करता हूँ। मेरा छात्र मेरा कस्टमर नहीं है, वो मेरा प्रोडक्ट है। हाँ, और हर टीचर को यही समझना चाहिए कि उसका छात्र जो है वो उसका प्रोडक्ट है, जिसको कंज्यूमर नहीं हो सकता है, वो मेरा क्रिएशन है, उसको हम क्रिएट करेंगे, उसको हम क्रिएट करेंगे, उसको हम अपना वो सारा गुण देंगे जो मुझे लगता है कि उसके अंदर होना चाहिए, और उसको जो गुण चाहिए वो अगर मेरे अंदर नहीं है तो वो गुण मैं अपने अंदर विकसित करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं पढ़ूंगा, उसके पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। अगर मुझे एक घंटे की क्लास लेनी है तो मुझे 5 घंटे की पढ़ाई चाहिए कम से कम, हो सकता है उससे अधिक, अधिक हो सकता है। 1 घंटे के कंटेंट को डिलीवर करने के लिए सर समझा रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं कि 5 घंटे की, आप सही सुन रहे हैं, 5 घंटे की बैकग्राउंड रिसर्च होनी चाहिए और उतना आपका होमवर्क होना चाहिए। बिल्कुल, और वो भी तब मैं बात कर रहा हूं जब आप उस विषय को अच्छे से जान रहे हो, पहले से पढ़ा रहे हो, तब आपको ये वर्क करना पड़ेगा। अगर आपके लिए विषय नया है तब तो फिर बात ही अलग है, फिर तो आप बहुत, हो सकता है आपको स्टडी करना पड़े, बहुत अपने आप को तैयार करना पड़े, तब जाकर के आप वो 1 घंटे की क्लास ले पाएंगे। और कई बार शिक्षक ये भी कहते हैं कि सर इसमें क्या है, तो मैं बरसों से पढ़ा रहा हूं। तो आज के युग में, आधुनिक युग में जहां पर चीजें इतनी तेजी से बदल रही है, सिंगल क्लिक पे, वहां पर ये कहना कि मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं यही होता है, तो 20 साल में दुनिया में हर जगह कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। अब आपको ये बोलने से काम नहीं चलेगा कि 20 साल से मैं यही पढ़ा रहा हूं यही चलेगा। और अगर कोई छात्र सवाल पूछ रहा है तब तो बहुत सुंदर व्यवस्था है, तब तो बहुत अच्छी बात है। हमने सवाल पूछने की व्यवस्था को रोक दिया है, सवाल पूछने के जो कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्करेज करते हैं, सप्रेस करते हैं, डिस्करेज करते हैं, जबकि छात्र जो है वो अधिक से अधिक सवाल पूछे। शिक्षक का धर्म और दायित्व क्या है? शिक्षक का धर्म और दायित्व है
कि छात्र को सवाल पूछने के लिए प्रेरित कर दिया जाए। आप आज याद करते हैं न्यूटन को, न्यूटन की जो पूरी कहानी जब आप याद करते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को याद करते हैं, शुरुआत कहां से हुई? एक एप्पल गिरा था। एप्पल तो रोज गिरते थे एप्पल तो रोज गिरते हैं, लेकिन मन में सवाल ये नहीं आता है कि ये नीचे क्यों गिरा। ये सवाल आना जरूरी है, और फिर जब क्यों गिरा तो फिर न्यूटन ने जो है उसको सोचा भी तो उसके ऊपर में कि ये नीचे क्यों गिरा, और फिर उसने उसका जवाब जो है वो भी खोजा। तो एक छात्र को खोजी बना देना, उसको एस्पायर कर देना कि वो सवाल पूछे और फिर उसके उत्तर को खोजे, यही शिक्षक का काम है। अच्छा सर, एक स्टूडेंट के लिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं, क्योंकि आज टीचिंग पे हम लोग बात कर रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट किसी भी एज का हो, फोर्थ में पढ़ रहा हो, फाइव में पढ़ रहा हो, या अप टू अपटिल ग्रेजुएशन, स्टूडेंट कौन कौन से पैरामीटर पर ये जज कर ले कि दिस टीचर इज वेरी गुड? आखिर कुछ तो मापदंड स्टूडेंट रखता होगा ना, या स्टूडेंट को कौन सा मापदंड रखना चाहिए जिससे कि वो मान ले, एग्जाम्पल के लिए ए बी सी डी ई पांच टीचर से का नाम उसके सामने आया है जिससे उसको 11th 12th में पढ़ना है, तो कैसे डिसाइड कर, डिसीजन कैसे ले, क्योंकि बहुत बड़ा ये सवाल आता है एक स्टूडेंट के सामने कि मैं किस टीचर से पढ़ूं, तो कैसे डिसीजन ले? देखिए, वो आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि ए गुड टीचर इन्फॉर्म्स, एक अच्छा शिक्षक जो होता है वो इन्फॉर्मेशन देता है, वो बोलता है, बताता है। बट जो उससे अच्छा टीचर होता है, जो बेटर टीचर होता है, वो क्या करता है कि वो सिर्फ बताता नहीं है बल्कि दिखाता भी है, वो डिमॉन्स्ट्रेट भी करता है। और जो उससे भी अच्छा टीचर होता है वो एक्सप्लेन करता है, और जो उससे भी ज्यादा अच्छा टीचर होता है वो एस्पायर करता है, वो आपको प्रेरित करता है। तो मेरा ये मानना है कि आपको सिर्फ आज के समय में इंफॉर्मेशन, एक समय था जब इंफॉर्मेशन का अभाव था, नॉलेज जो है वो किताबों में था, मुश्किल से मिलती थी किताबें, और सबके पास एक्सेस नहीं हुआ करता था। आज इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट का जमाना है, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर। तो ऐसी स्थिति में इंफॉर्मेशन पास ऑन करना ये टीचर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। स्टूडेंट ध्यान दें, ये उस वक्त भी नहीं थी और आज भी नहीं है। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो छात्र को इतना सबल बनाए, इतना काबिल बनाए, जो बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश दिया, आखिरी ज्ञान दिया कि अब प्रदीपो भव, कि अपना प्रकाश अब तुम स्वयं बनो। तो अगर कोई शिक्षक छात्र को प्रेरित कर देता है, उत्साहित कर देता है, उसको किसी पथ पे चढ़ने के लिए आगे बढ़ा देता है, तो इसका मतलब है फिर छात्र की शक्तियां जागृत हो जा रही हैं, और उसके बाद वो छात्र जिस विषय में, जिस रास्ते में चल रहा है, उसको वहां पर आगे बढ़ने में बाधा आएगी तो वो खुद ब खुद उसका समाधान भी निकालेगा, और गुरु जो है वो वहां पीछे खड़ा है। अगर पकड़ लिया तो फिर तो वो आपका हाथ पकड़ के चल रहा है ना, वो तो अकेले चल ही नहीं रहा है। आप पीछे खड़े होइए और उसको चलने दीजिए। जब वो गिर रहा होगा, लड़खड़ा रहा होगा, तब संभालना है आपको, उसको हर समय पकड़ के नहीं चलना है। एक अच्छा शिक्षक वो होता है, जैसे कॉलेज में मैं टीचर्स को हमेशा बोलता हूं और बताता हूं, मैं कभी देखता हूं किसी टीचर को कि वो किताब पढ़ करके हाथ में किताब लेके पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी तैयारी आज अच्छी नहीं है। वो किताब लेकर के आए और किताब से देख देख के पढ़ा रहे हैं। कोई पीपीटी में आजकल लिख देते हैं पूरा, और पूरा पीपीटी में लिख दिया, उसी को पढ़ पढ़ के पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है उनकी तैयारी सही नहीं है। मैं बोलता हूं कि पीपीटी में एक लाइन लिखिए, एक शब्द लिखिए, कोई तस्वीर लगा दीजिए और उसको आप एक्सप्लेन करिए। आपको पूरा लिखने की जरूरत पीपीटी में नहीं है। और अगर कोई शिक्षक बच्चों को नोट्स लिखा रहा है, माँ बाप बोलते हैं कि टीचर क्लास में क्या लिखवाया, नोट्स लिखवा रहा है, और कोई बच्चे कॉपी पे लिख रहे हैं, कोई बच्चे बोलते हैं कि फलाने सर ने हमें नोट्स नहीं लिखवाया, टीचर का काम नोट्स लिखवाना नहीं है, टीचर का काम आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। और मैं एक्सप्लेन से भी आगे जाता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट जो है उसको आप खुद ब खुद विजुलाइज कर सको। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई भी शिक्षक जब क्लास में पढ़ा रहा हो और कोई भी छात्र जब क्लास में पढ़ रहा हो, तो वो विषय को सिर्फ कान से सुने नहीं, शिक्षक सिर्फ मुंह से बोले नहीं, विषय जो है, जो टॉपिक है हमारा, वो हर एक बच्चा जो है वो क्लास में बैठे बैठे देख सके, इतना क्लियरफुल उसका विजुअलाइजेशन होना चाहिए, इतना क्रिस्टल क्लियर विजुअल दिखाई पड़ना चाहिए टॉपिक को, कि बच्चे को वो चीजें याद हो जाएंगी, वो चीजें समझ में आ जाएगी। उसमें अगर वो अपने आप को देख रहा है, अगर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं मार्केटिंग कस्टमाइजेशन में पढ़ा रहा हूं, तो मैं उसको बताऊंगा कि तुम एक कंपनी के, मैं उसको कंपनी का नाम दूंगा कि तुम चलो मान लो कि तुम सैमसंग मोबाइल के लिए, तुम अपनी किस जिला से, दरभंगा से, तो तुम दरभंगा के, तुम वहां के एरिया सेल्स मैनेजर हो, तुम वहां के जोनल सेल्स मैनेजर हो,
अब तुमको कस्टमाइज मार्केटिंग प्लान बनाना है, अब तुम्हारे पास ये सेगमेंटेशन तुमने किया, मार्केट को तुमने सेगमेंट में डिवाइड किया, अब उस सेगमेंट की तुमने क्या क्या पेन पॉइंट है तुमने बताया कि कहां पर तुम्हारा कॉम्पिटिटर का क्या कौन है, कॉम्पिटिटर का तुम्हारा क्या पॉइंट, वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ विजुलाइज कर रहा है। अब उसको हम बोल रहे हैं कि तुम बताओ कि तुम्हारी नई स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कि जो तुम्हारा जो चैलेंजेस तुम्हारे सामने है, तुमको टर्नओवर को बढ़ाना है, तुम कैसे क्या करोगे। वो खुद से इंगेज हो गया है, वो सोच रहा है, वो वर्कआउट कर रहा है कि दरभंगा के जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज हैं, वहां के जो छोटे बिजनेस व्यापारी हैं, उनको टारगेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। वो सब्जेक्ट में इन्वॉल्व हो गया है, इसको मैं कहता हूं बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट, अपने आप का इन्वॉल्वमेंट, खुद का इन्वॉल्वमेंट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आई, मतलब मैं जिस चीज में रहूंगा मुझे उसमें इंटरेस्ट आएगा। मैं पूछता हूं कि शादी ब्याह के घर में फोटोग्राफ आती है तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस फोटो में रहती है, जिसमें मैं खुद रहूं। ऑब्वियसली हर कोई अपने आप में इंटरेस्टेड रहता है, लेकिन जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट में आप कहां होते हैं। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन। उस सब्जेक्ट में आप नहीं होते हैं। अगर मैं अपने छात्र को सब्जेक्ट का पार्ट बना देता हूं, वो उस सब्जेक्ट में आ जाता है, तुरंत से उसका इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, उसका इंटरेस्ट आ जाता है, और जैसे ही इंटरेस्ट आ जाता है उसको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है, उसमें उसका मन लगता है। तो टॉपिक में बच्चों का आना, और कॉन्सेप्ट ऑफ आई में कॉन्सेप्ट ऑफ आंख, मतलब चीजों को सिर्फ सुनना नहीं है, चीजों को देखना है और विजुलाइज करना है। और जब हम विजुलाइज करते हैं तो हम अपने राइट ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं, जबकि पूरी पढ़ाई में आप अपने लॉजिकल पार्ट के लिए, अपने रीजनिंग के लिए, अपने रोट लर्निंग के लिए, रट्टा मारने के लिए, हर जगह आप पढ़ाई में सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि राइट ब्रेन का इस्तेमाल होता है ड्रीम्स देखने में, राइट ब्रेन का इस्तेमाल होता है इमेजिनेशन में, क्रिएटिविटी में। और हम राइट ब्रेन का इस्तेमाल करते कहां है पढ़ाई में, लेकिन जब आप विजुलाइज कर रहे हैं तो आप राइट ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका नतीजा ये होता है कि पढ़ाई में आप लॉजिक भी लगा रहे हैं, लॉजिक तो लगेगा ही, लॉजिक तो लगना ही है, इलॉजिकल तो आप कर नहीं सकते हैं। लेकिन जब आपने क्रिएटिव साइड ऑफ द ब्रेन को और इमेजिनेटिव साइड ऑफ ब्रेन को शामिल कर लिया, तो आपका दोनों मन जो है, वो आपका दोनों दिमाग का जो पोर्शन है वो पढ़ाई में शामिल हो गया। अब जो आपका एक पार्ट जो था, जो आपको डिस्टर्ब करता था, जो आपको पढ़ाई में क्लास में आपको डाइवर्ट करता था, वो भी इन्वॉल्व हो गया। तो आपकी मेमोरी पावर, आपकी ब्रेन पावर क्या हो गई, तुरंत से डबल हो गई। इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया, डिस्टर्बेंस घट गया, पार्टिसिपेशन आ गया, आई मेमोरी आ गई, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट आने से इंटरेस्ट फैक्टर बढ़ गया। आप मूवीज देखते हैं, मूवीज क्यों याद रहती है, सिनेमा क्यों याद रहता है, क्योंकि सिनेमा जो है वहां पर आप अपने आप को कैरेक्टर से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को हीरो से जोड़ लेते हैं। डेफिनेटली अगर आपके पिताजी कोई मूवी देख रहे हैं, बागबान देख रहे हैं, उनको आंसू आ रहा है, क्योंकि वो अपने आप को अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर से जोड़ लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। प्लस वो विजुअल है, वहां पर विजुअल है, पढ़ाई विजुअल नहीं है, पढ़ाई को विजुअल बनाना जरूरी है, पढ़ाई में कनेक्शन का लाना जरूरी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ आई है, इंटरेस्ट का, और आई मतलब मैं और आई मतलब आंखें, इनको इन्वॉल्व करना, ये बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। तो सर बहरहाल जो मैं समझ पा रहा हूं कि अगर इसको हम लोग समराइज करें, तो सबसे पहली चीज जो आपने बताई, जो स्टूडेंट ध्यान रखें कि उनको कौन से टीचर को सिलेक्ट करना है, तो एक ऐसे टीचर को सिलेक्ट करना है जो बच्चे के राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों को एक्टिवेट करके पढ़ा। अब मैं इसको सिर्फ ब्रेन के ऊपर में लेकर जाऊंगा, शिक्षक वो होना चाहिए जो बच्चे को एक बार कंधे पे हाथ रख दे अगर, और उसके बाद बच्चे को लगे कि मेरे गुरु जी जो है वो मेरे साथ है, और वो भावना को समझते हैं, मैं कहां अटक रहा हूं इस चीज को देखते हैं, स्टूडेंट्स ख्याल रखें, और उसको वो प्रेरित कर सके। मतलब मोटिवेशन को मैं बहुत बड़ी पावर मानता हूं, बिना डीजल के, बिना पेट्रोल के गाड़ी भी चल पाती है, और बिना मोटिवेशन के इंसान नहीं चल पाता। क्या बात। तो अगर मोटिवेशन नहीं होगा, जिसके अंदर ऊर्जा होती है, मोटिवेशन होती है, वो तो कुछ भी करने को तैयार होता है, सीमा पे जवान होता है, वो गोली खाने को तैयार है, उसके अंदर मोटिवेशन है। अगर मोटिवेशन नहीं रहे तो भाग खड़ा होगा। तो ये मोटिवेशन का होना छात्र के जीवन में बहुत जरूरी है, और तकनीकी ज्ञान तो खैर होना ही चाहिए, शिक्षक के पास होना चाहिए, लेकिन आज के दौर में तकनीकी ज्ञान छात्र स्वयं भी हासिल कर रहा है, हर तरफ ज्ञान उपलब्ध है, जरूरत इस बात की है कि छात्र के साइकोलॉजी को समझते हुए उसको हैंड होल्डिंग की जाए, और वो हैंड होल्डिंग भी थोड़ी दूर से की जाए, बिल्कुल स्पून फीडिंग करने की जरूरत नहीं है, वो गलत है। जहां जहां स्पून फीडिंग हो रहा है, अगर कोई टीचर नोट्स लिखा के दे रहा है, वो गलत है, वो छात्र को अपाहिज बना रहा है, पैरालाइज्ड। हाँ, बिल्कुल पैरालाइज कर रहा है। सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और सर एक चीज बताइए, आपने जिंदगी में टीचिंग को अडॉप्ट किया, फिर आप एक रिनाउंड एजुकेटर हुए, एक बिहार के वन ऑफ द लीडिंग सोशल एंटरप्रेन्योर्स आप हैं आज के डेट में,
और सोशली काफी इम्पैक्ट है आपका, स्टूडेंट्स के बीच में भी स्टूडेंट्स आपको कॉल करते हैं, आपको थैंक्स कहते हैं। अब तक अपने कॉलेज से आपने 12,000 स्टूडेंट्स को वेल प्लेस्ड किया है। ये सभी बातें बहुत अच्छी हैं सर, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि 5 घंटे टीचर होमवर्क करे फिर क्लास में आए। लेकिन सर, टीचर अगर छोटे से शुरू कर रहा है, मान लीजिए महीना जो उसकी तनख्वाह है महीने की 5,000 रुपए से शुरू कर रहा है, तो कुछ ब्लूप्रिंट बताएंगे कुछ, क्योंकि आप उस लेवल पे आज हैं कि आप बता सकते हैं, तो टीचर्स को आप गाइड कर सकते हैं कि कैसे एटलीस्ट वो महीने के 40-50-70-80,000 तक पहुंचे, थोड़ा सा गाइड करें टीचर्स। नहीं, आप जितना बता रहे हैं उससे भी बहुत आगे जाना संभव है। और बिहार में सर, बिल्कुल, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, ये ज्ञान का दौर है और ये नॉलेज कैपिटल की दुनिया है, यहाँ नॉलेज ही कैपिटल है। और आज की दुनिया में बाकी सारे जो आपके रिसोर्सेज हैं वो कम मायने रख रहे हैं, सेकेंडरी है, उनको आप हायर कर सकते हो, उनको आप ला सकते हो। नॉलेज जो है वो प्राइमरी हो गया है और नॉलेज की वैल्यू हो गई है। आप जितने भी आज बड़े से बड़े एंटरप्राइज को देख रहे हो वो नॉलेज के दम पर स्थापित हो रहे हैं, वो नॉलेज के दम पर स्थापित हो रहे हैं, इसलिए नॉलेज की महत्व बढ़ चुका है। और शिक्षकों का भी इस क्षेत्र में हमें मानना पड़ेगा, हमें एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना होगा जहां टॉप लेवल पर, टॉप ऑर्डर पर आप टीचर्स को रखेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि इस देश को आईएएस ऑफिसर्स बना रहे हैं, इस देश को जो है वो ब्यूरोक्रेट्स और इंजीनियर्स और डॉक्टर्स चला रहे हैं, तो ठीक है, उनकी योग्यता, उनकी भूमिका बिल्कुल है, लेकिन उनके पीछे एक शिक्षक है, एक गुरु का हाथ है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर टीचर्स को ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स और मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर टीचर्स को रखा जाता है। और आज हार्वर्ड के प्रोफेसर जो हैं उनकी जो इनकम होती है वो वहां के ब्यूरोक्रेट्स और उनके डॉक्टर्स से ज्यादा होती है, काफी ज्यादा होती है। तो एक एक्सलेंस को लेकर के शिक्षकों के बीच में भी एक प्रतियोगिता, या फिर शिक्षकों के बीच में एक एक्सलेंस की एक भूख होनी चाहिए, उस भूख को जागृत करना होगा शिक्षकों के बीच में, तभी तो वो उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और आप देख रहे हैं आपके बीच में आज कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो रहे हैं और पूरी भारत जो है वो उनको देख रहा है, उनसे प्रेरित हो रहा है। ऐसे अनेकानेक शिक्षक हैं जो विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर लोकप्रिय हो रहे हैं, हमारे बिहार के शिक्षक हैं पूरे भारत में लोकप्रिय हो रहे हैं। तो ये एक नोबल प्रोफेशन है। और यहाँ पर आपने जो सवाल पूछा 5,000-6,000 कैसे वो पहुंचे, तो आप एक बात बताइए, अगर स्टेज पर एक प्ले होता है, एक नाटक होता है, कोई ओटीटी का सीरियल बनता है, कोई टेलीविजन का ड्रामा बनता है, उसके लिए बकायदा स्क्रिप्ट लिखी जाती है, डेफिनेटली उसके पूरी साज सज्जा, उसकी लाइटिंग, उसका डायरेक्शन वगैरह, आर्ट डायरेक्शन, कौन कहां से प्रवेश करेगा, कौन कहां बैठेगा, एवरीथिंग इज प्लान्ड। एक 45 मिनट का ड्रामा स्टेज पर होना है, उसकी पूरी प्लानिंग होती है। मैं कहता हूं कि टीचर जब क्लास में जाता है, क्या उसके पास एक प्लान है कि जब वो क्लास में जा रहा है वो क्लास में टॉपिक को आज इंट्रोड्यूस कैसे करेगा, उसके महत्व को किस एग्जांपल से बताएगा, क्या वो एग्जांपल क्लासरूम में जाके सोचेगा कि उसने पहले से आइडेंटिफाई कर रखा है, वो वहां पर कुछ कहानी सुनाएगा क्या कि क्लास शुरू करने के पहले कोई 5 मिनट की कहानी, जिससे लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि आज की क्लास को जो मिलने वाला है वो बहुत काम का है, यानी कि वो स्थापित हो जाएगा कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे एस्टैब्लिशिंग द टॉपिक, ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि पहले क्लास के 10 मिनट में आपको टॉपिक को, 5 मिनट में ही आपको टॉपिक को एस्टैब्लिश कर देना है, और फिर आपको ये बताना है कि आज का टेक होम क्या होगा, ये आपको बता देना है कि आज इस क्लास में बच्चों तुम लोग को ये मिल जाने वाला है, तुम लोग ये सीख जाओगे, तुम लोग ये काम कर पाओगे, आज ये क्लास जो लोग ढंग से कर लेगा उसको ये आ जाएगा, उसको बैलेंस शीट का एनालिसिस आ जाएगा, उसको बनाना आ जाएगा, उसको सी में प्रोग्रामिंग में ये करना आ जाएगा, उसको फॉर्म के थ्रू डेटाबेस को कनेक्ट करना आ जाएगा। मतलब जो भी चीज आप उसको देने वाले हैं वो आउटकम पहले डिफाइन, उसको आउटकम डिफाइन कर दीजिए क्लास के 5-10 मिनट। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आप उसके एग्जांपल्स क्या दोगे, जब आप कोई भी चीज पढ़ाओगे बिना एग्जांपल के तो पढ़ाना ही नहीं है। मैं डेफिनेशंस के बहुत चक्कर में नहीं पड़ता कि ये डेफिनेशन इसने दिया, ये डेफिनेशन इसने दिया, ये डेफिनेशन इसके दिया, छोड़ दीजिए, बता दीजिए जो डेफिनेशन बताना है, बाकी फोकस इस बात पे करिए कि आखिर इसका महत्व क्या है, ये कैसे किया जाता है, इसमें एक्सेप्शन क्या है और एग्जांपल क्या है, ये बताना बहुत जरूरी है कि एग्जांपल्स क्या है। फिर आपको पता होना चाहिए अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ कि बच्चे कंफ्यूज कहां पे करते हैं, और जहां जहां कंफ्यूज करते हैं उनको वहां वहां कंफ्यूज करिए, पूरी क्लास को कंफ्यूज करिए, कंफ्यूज करना चाहिए क्लास को, टीचर को। मैं कंफ्यूज करता हूं, मैं बोलता हूं कि ये तुम लोगों को कितने लोगों को लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए,
हाँ सा लगता है। और फिर मैं बोलता हूं कि ये देखो इसमें तो ऐसा भी है, ये होना चाहिए था, कितने लोग बोलते हैं कि दूसरा तैसा होना चाहिए, दूसरे बोलते हैं हाँ ये होना चाहिए। अब बच्चे कंफ्यूज हैं, और जब आप कंफ्यूज कर देंगे उनको, फिर उनको इंगेज करवाइए, फिर उनको इंगेज करवाइए, फिर दो साइड के आपस में आर्गुमेंट करवाइए, उनमें डिस्कशन करवाइए। जब भी डिस्कशन होगा, जब मंथन होगा, तो कुछ उसमें से निकलेगा। जब आप मंथन करिएगा, बिल्कुल ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, तो कुछ ना कुछ निकलेगा ना, फिर क्लास इंगेज हो गई। अभी तो क्या है, वन साइडेड क्लास, टीचर आता है लेता है, बोर्ड पे लिखते जा रहा है, सब कॉपी पे लिखते जाओ, बुक सुनाते जा रहा है, बच्चा लिखते जा रहा है, बोर हो रहा है, और बच्चा लिखते वक्त समझ भी नहीं रहा कि क्या लिख रहे हैं, बस लिखते जा रहा है, और वहां दूसरे से पूछ रहा है कि क्या लिखे, तुम कहां तक पहुंचे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या लिखे, पूरा क्लास खत्म हो जाएगा, घंटे का भी पूछेगा क्या पढ़ाई हुआ, कॉपी खोलेगा, उसको पता ही नहीं क्या कॉपी पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। तो मैं कहता हूं कि कॉपी कुछ खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको मेंटली इंगेज करिए, उनको विजुअली इंगेज करिए, उनके ब्रेन को इंगेज करिए, और उसके बाद आप केस एनालिसिस करवाइए अगर संभव हो तो, मतलब उस टॉपिक में उस बच्चे को घुसा दीजिए, उसको ले आइए कि तुम अब यहां पर इस कंपनी में काम कर रहे हो, तुम्हारे सामने ये सीन है कि वर्कर स्ट्राइक पर जाने की बात कर रहे हैं, अब तुम इसको कैसे हैंडल करोगे, ये इश्यू है, ये डिमांड है, बिल्कुल बिल्कुल उसको पोजीशन में डालिए। इसमें टीचर को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर, जैसे आप बता रहे हैं सब, बहुत मजा आता है टीचर को, बहुत मजा आता है टीचर को, इसी में मजा आता है टीचर को, मेहनत वहां पर है, वो मजदूरी वाला काम है कि पूरा पढ़ पढ़ के लिखना लिखवाना बोलना, ये मजदूरी का काम है, इसमें कोई मजा नहीं आता है। और जो मैं ये बता रहा हूं केस स्टडी मेथड, इसमें मजा आता है, इसमें रोज नया नया आंसर मिलता है, और हर आंसर ऐसा होता है जो कि सही हो सकता है, चार बच्चे चार तरह का जवाब दे रहे हैं और चारों जवाब सही है, क्या बात है, ये संभव है यहां पर, यहां पर कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, यहां पर कोई किताब, मैं तो कहता हूं जब मैं केस का एग्जाम लेता हूं कई बार कि किताब खोल के आंसर लिखो, लाइब्रेरी में बैठ के किताब खोल के आंसर लिखो, किताबों में आंसर नहीं मिलेगा, तुमको तुम्हारे बुद्धि से तुम्हारे ज्ञान से उसका आंसर मिलेगा, ठीक है, ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए इसमें मेहनत की बात नहीं है, मन लगना चाहिए, और टीचिंग में आप तभी आएंगे जब आपका मन लगता हो। कोई सोचते हैं कि मेरे को यहां जॉब नहीं मिला, वहां जॉब नहीं मिला, तब मैं टीचर बन जाऊं, ये टीचिंग का प्रोफेशन नॉट बाय चॉइस, नहीं, टीचिंग का प्रोफेशन उसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है, नहीं, टीचिंग का प्रोफेशन उसके लिए है जो कि वर्ल्ड की सबसे कीमती बेशकीमती चीज को बनाने के लिए आया हो, वो है ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड को शेप देना है आपको, ये सबसे बेशकीमती चीज है, उसके लिए आप आए हो। और गुरु को जो सम्मान दिया गया है, हम जो मान दिया गया है, उसकी तुलना आप किसी से कर सकते हैं, वो तो सर अतुलनीय है, अतुलनीय है, इसलिए फिर इसमें ये सब चीजें हों। और इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है, पहले बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, मैं कहता हूं कि उनको अगर होमवर्क देना ही है तो लंबा लंबा लिखने देने के बजाय क्यों नहीं आप उनको कुछ असाइनमेंट इस तरह का दें जिसमें कि वो यूट्यूब पर वीडियोस देख करके आएंगे और बताएंगे कि क्लास से पूछिए कि किसने सबसे बेस्ट वीडियो देखा है बताओ और उस वीडियो में क्या सीखा, और हर बच्चा बताएगा कि मैम मेरा वीडियो बेस्ट है, मेरा वीडियो बेस्ट है, इसी बहाने लोग एक दूसरे का नॉलेज भी लेंगे, एक्सचेंज हो जाएगा, और इसी बहाने लोग जो है वो अपने आप को अपडेट भी करेंगे। कोई गूगल पर रिसर्च दे दीजिए उनको, कोई उनको यूट्यूब पर रिसर्च दे दीजिए, कोई उनको आप किसी टॉपिक पर कोई प्रैक्टिकल फील्ड में जाकर के नॉलेज लेके आने के लिए कह दीजिए, प्रोजेक्ट वर्क दे दीजिए कि वो बाजार में जाकर के कोई चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके ला रहा है, फील्ड रिसर्च कर रहा है, फील्ड प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है, तो ये, और उसके अलावा ऑब्वियसली रिटर्न वर्क भी देना होगा। आप उनको सजेस्ट करिए, बुक्स रेफर करते थे हम लोग, आजकल हम लोग बुक रेफर करने के बजाय उनको ऑडियो विजुअल कंटेंट रेफर कर रहे हैं, वो क्योंकि बुक पढ़ कम रहे हैं तो कोई फायदा नहीं रेफर करने का, उसके बजाय उनको हम एक लिंक दे देते हैं व्हाट्सएप पर टॉपिक से जुड़ा हुआ, उसको वो लोग तुरंत खोल के देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो आप भी अपने आप को समय कर, अगर इस तरह से करे तो धीरे धीरे उसमें बदलाव आएगा टीचर में, और दिन इन दिन धीरे धीरे अपने फाइनेंशियली भी वो ग्रो कर सकता है। ये फाइनेंशियल ग्रो का जो पार्ट है, आप जब एक अच्छे शिक्षक के रूप में किसी के जीवन में बदलाव लाएंगे, फिनांस जो है वो पीछे पीछे आएगा, आप फिनांस के पीछे जाएंगे आप हताश और निराश हो जाएंगे। आप अपने बच्चों को बनाने में लगिए ना, बाकी आपको आपका जो मेहनत है वो आपको उसका परिणाम दे देगा। ऐसा नहीं है, बिलीव ऑन योर कर्मा, अगर आपके काम जो है वो अच्छा हो रहा है, आपका परिणाम जो है वो अच्छा आ रहा है, तो वो फिनांस आपको, भगवान जो है वो आपको उसकी तकलीफ नहीं देगा, नहीं देगा, ऐसा हाँ, आपका विश्वास है। बिल्कुल, मेरा विश्वास भी है और मेरे ये मान्यता भी है और मेरा ये अनुभव भी है। यह तो आपका अनुभव है, मेरा अनुभव भी। पिछले इंटरव्यू में मैंने आपको बताया था कि नीरज सर 250 रुपए और एक सूटकेस के साथ, इनकी मम्मी ने इनको कहा था कि आप, क्या कहा था सर मम्मी ने आपको? उस जमाने में हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी, बहुत ही खराब थी। हमारी एक दुकान थी किराए पर, वो दुकान बंद थी, पिताजी बेड रेस्ट पर आ गए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था,
और उन्होंने कहा कि बेटा अब और पढ़ाई जो है तुम कॉलेज में नाम तो लिखवा लो, लेकिन तुमको कुछ ना कुछ काम कारोबार भी करना होगा ताकि घर की आर्थिक स्थिति में तुम कुछ योगदान दे सको। और टेंथ हो गया तुम्हारा, अब तुमको भी कुछ कमाना होगा। तो दसवीं के बाद मैंने अपना प्रोफेशनल करियर भी कॉलेज में एडमिशन भी लिया, और कॉलेज से निकल के जब मैं आता था 11 बजे तक क्लासेस होती थी, उसके बाद मैं अपना जो प्रोफेशनल करियर था वो उसको संभालता था। और सर अभी वी हैव कम टू नो अबाउट दिस इमेज इंस्टीट्यूशन की आप लोग का, आपकी मैनेजमेंट का, जो भी टॉप ऑर्डर के जो मैनेजमेंट में लोग हैं, बोर्ड में जो लोग हैं, वो लोग स्कूल की भी प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं सर। देखिए जब मैं करियर कैटलिस्ट शिक्षण ट्रेनिंग प्रशिक्षण संस्थान चला रहा था तो वहां पर कॉलेज से जो लोग पास आउट होके आते थे उनको हम लोग 3 महीने की ट्रेनिंग दे करके इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेन करके जॉब लगवाते थे। तो हम फिनिशिंग स्कूल थे वहां पर कि आप कॉलेज से निकल के आए हैं लेकिन जॉब नहीं है, हमने आपको कम्युनिकेशन स्किल, मैनेजमेंट स्किल, टेक्निकल स्किल दिया, अब आप लीडरशिप स्किल आप जो है वो प्लेसमेंट पा रहे हैं। नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि लीडरशिप स्किल दे पाता था, मैं एग्जीक्यूटिव लेवल जॉब के लिए कम्युनिकेशन बोलना आ जाए, मैनेजमेंट स्किल यानी कस्टमर हैंडलिंग वगैरह आ जाए, और टेक्निकल स्किल यानी कंप्यूटर अच्छे से आ जाए, ये 3 चीज आ जाए तो स्टार्टिंग जॉब मिल जाती है। मैं वहां पर वही करा रहा था, लेकिन जब मैं सिमेज में आया, और वो क्यों आया, क्योंकि मुझे वहां पर समय कम मिल रहा था, मुझे वहां पर बैंडविड्थ कम मिल रही थी, मुझे लग रहा था कि यहाँ 3 महीने में वो हम लोग कर नहीं पा रहे हैं जो आपको जो करना है। तो जब हम यहाँ आए तो यहाँ हमें 3 साल मिल गया, जो ग्रेजुएशन करके बच्चे आ रहे थे वो बच्चे जो है उनको हम यहाँ पर 3 साल पढ़ा रहे थे, और हमारे पास बैंडविड्थ बढ़ गई और हम ज्यादा अच्छे से उनको तैयार कर पा रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी, उनका कम्युनिकेशन, आपने जो लीडरशिप वर्ड को इस्तेमाल किया वो मैं यहां कह सकता हूं कि यहां हम लीडरशिप हो या सोशल, उसके अंदर में अवेयरनेस हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक नागरिक के रूप में उसकी जो जिम्मेवारी है, ये सब कुछ मैं यहां पर ज्यादा अच्छे से उनको हैंडल, उनको सिखा पा रहा हूं, उनको देने के प्रयास कर पा रहा हूं। लेकिन अब जब यहां पर जब कॉलेज चला रहे हैं तो हमें ये महसूस होता है कि ये बच्चा जो मेरे पास आ रहा है, ये गांव से आ रहा है, अगर ये और पहले मिल जाता तो इस बच्चे की जो इंग्लिश में प्रॉब्लम दिख रही है, आज बिहार के बच्चों को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम मिल रही है जो पहले नहीं मिलती थी, जो बिहार के बच्चों का मैथ्स वीक हो जा रहा है, तो ये जो बेसिक लेवल से अगर हम उसको काम करें, अगर शुरुआत से हम उस पर काम करें तो हो सकता है कि उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है, जो उसका कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है, जो उसके मल्टीपल इंटेलिजेंस है, उनको ज्यादा अच्छे से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से इग्नाइट कर सकते हैं, और उनको एक और ज्यादा शार्प और ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी का क्वालिटी मतलब के रूप में उसको डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी यह है कि और अर्ली एज में जब उसका फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स हो रहा है वहां पर उसके अंदर में हम लोग वो डेवलप कर सकते हैं, डेवलप करें, क्योंकि जो एक बार जब वो हमारे पास कॉलेज में आ रहा है, ऑलरेडी बहुत से बच्चे ऐसे जो गांव से आ रहे हैं, सरकारी स्कूल से आ रहे हैं, स्कूलिंग अच्छी नहीं, क्लास करने की अटेंडेंसी नहीं, अटेंडेंस की इश्यूज हैं, या फिर जो लैंग्वेज इश्यूज आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि और टेंडर एज में उसको इजिली हैंडल करना पॉसिबल है। तो एक विचार है, उस पर अब काम चालू है, अब कितना समय लगेगा इस बारे में कह नहीं सकते। मेरी इच्छा है कि हम लोग एक ऐसे स्कूल का निर्माण करें। देखिए आमतौर पर, क्योंकि जो लोग मुझसे पर्सनली कनेक्टेड हैं वो मुझे जानते हैं कि मैंने टीचिंग की शुरुआत 2008 में की थी, आज पढ़ाते हैं मुझको 15 साल हो गए और लगभग सभी स्कूल में मैंने पढ़ाया। लेकिन जनरली क्या होता है, स्कूल खोलने का लोगों का मोटिव बहुत अलग होता है। सर का मोटिव आप ध्यान से सुने और समझे, सर कह रहे हैं कि बच्चों में जो स्कूल लाइफ में जो प्रॉब्लम है, यानी बच्चे जब टेंडर एज में हैं तो बच्चे वीक आ रहे हैं कॉलेज एज में, तो इनका जो मोटिव है ना, बच्चों को और अच्छा बनाना है, ताकि बच्चे से जब बच्चा पढ़ते पढ़ते 12 तक जाए तो बच्चा इतना क्वालिफाइड, इतना नॉलेजेबल, इतना कॉम्पिटेंट हो जाए ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो, कॉन्फिडेंट हो जाए। उसकी भी बहुत कमी है, अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे आ रहे हैं। तो सर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्कूल खोल रहे हैं। मुझे लगता है कि सर अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं मिलता तो इस दिशा में आप नहीं जाते। हाँ, इसको जिसे हम कह सकते हैं कि एक तरह से बैकवर्ड इंटीग्रेशन है ये, लेकिन ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है ये जरूरी है। और जहां तक सवाल है कि ये प्रॉब्लम नहीं मिलता तो इस दिशा में नहीं जाने का, तो अगर हमारे स्कूल्स बेहतर हो जाएं और अगर सरकारी स्कूल बेहतर हो जाएं, जहां पर सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, जहां पर सबसे ज्यादा संसाधन हैं, तो मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी निजी पहल की बहुत आवश्यकता नहीं रहती है।
शिक्षा स्वास्थ्य ये हमारे कल्याणकारी राज्य में, लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार ने अपने एजेंडा में शामिल किया है और ये सरकार के एजेंडा में आता है। लेकिन चूंकि इस दिशा में सरकार के जितने भी पहल हैं वह सफल नहीं हो पा रहे हैं सर, पूर्ण रूप से सफल नहीं। नहीं, आज भी जो हमारे सबसे बेस्ट स्कूल होंगे भारत के या जो बेस्ट कॉलेजेस होंगे वो सरकार के होंगे, दैट इज डिफरेंट, दैट इज अ डिफरेंट गेम। बट उसका तात्पर्य यह है कि सरकार के पास ये रिसोर्सेज हैं, वो संसाधन है कि वो बेस्ट स्कूल और बेस्ट कॉलेजेस वो बना सकते हैं और वो बनाते भी हैं। लेकिन क्या वो सबके लिए बना पा रहे हैं? नहीं बना पा रहे हैं। और जब सबके लिए नहीं बना पा रहे हैं तो स्कैर्सिटी क्रिएट हो रही है। आईआईटी में जाने के लिए इतनी स्कैर्सिटी है कि 22 लाख लोग फॉर्म भर दे रहे हैं, लेकिन एक कोई भी निजी विश्वविद्यालय या निजी संस्थान आईआईटी का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। यानी सरकार के पास संभावनाएं और क्षमता सब है, बहुत है, लेकिन आप इस इतने बड़े देश को सरकार जो है अभी ये सुविधा दे पाने में सक्षम नहीं हो पा रही है। तो आप इस मदद करना चाहिए। नहीं, मैं अकेले की कोई बात नहीं करूंगा लेकिन जो भी पूरा निजी क्षेत्र है इस दिशा में वो इसी कारण से है, चूंकि ये गैप यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। ये गैप खत्म हो जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि मैं भी बड़ा खुश होऊंगा कि मेरा बच्चे को मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाऊं। मैं तो विभिन्न कारणों से सरकारी स्कूल में ही पढ़ा। ऑब्वियसली मेरे पिताजी के पास वो सामर्थ्य भी नहीं था कि वो किसी निजी स्कूल की फीस को भर पाते, तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था। लेकिन अगर मैं तुलना कर रहा हूं कि हमारे समय में जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही थी और आज जिस तरह से सरकारी स्कूलों की स्थिति में देख रहा हूं, तो उसमें भी बहुत गिरावट देखी जा रही है, जो चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि अगर सुधार लाया जाए तो बेहतर, तो यह भी संभव है कि मैं अपने बेटे को शायद नहीं पढ़ा पा रहा हूं, अपने पोते को चाहूं कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाऊं, और यह हो सकता है और यह होना चाहिए। सर एक चीज और मैं जानना चाहूंगा इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, जैसे टीचर जितने भी टीचर्स होते हैं, कुछ टीचर्स जो होते हैं वो फिजिकल कॉर्पोरल पनिशमेंट देते हैं, कुछ टीचर मेंटल पनिशमेंट देते हैं, और सर कहीं ना कहीं ये गाइडलाइंस भी है, अ टीचर कैन बी जेल्ड फॉर कॉलिंग ए चाइल्ड स्टूपिड, ये एक रूल है। तो हमारे जितने शिक्षक थे स्कूल में वो तो सब जो है वो बेचारे जेल में चले जाते, सारे जेल में चल जाते। कृपया बच्चों से बात करें। देखिए ऐसा है, हो सकता है कि सुधारने के लिए मेरे अभिभावकों ने और मेरे गुरुजनों ने जरूर मुझे दंड दिया होगा, काफी दंड मैं लिया हूं, मुझे गलतियों के लिए या बिना गलती के, दोनों ही स्थिति में आप दंडित होते हैं। और आप ये बात को समझते हैं कि आपके अभिभावक और आपके शिक्षक आपको सुधारने के लिए, जैसे वो कुम्हार जो था ना वो ठोक बजा के बर्तन को सही कर रहा था, तो वो आप समझते हैं। लेकिन आज की जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, वो अलग किस्म से तैयार हो रही है। और मुझे लगता है कि आपको साम दाम दंड भेद इन सब का प्रयोग करना पड़ता है। जब जैसे आप मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, तो जब मैं अपने छात्रों से मोहब्बत कर रहा हूं तो फिर सब जायज है, सब जायज। और अगर वो उसको जंग समझ रहा है तो भी जायज है। वाह, ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जो समझदार है वो साम यानी समझाने से वो उसकी बुद्धि में उसको समझ में आ जाएगा, कोई दाम से समझ जाएगा तो उसको रिवॉर्ड से समझ जाता है कि सर ये रिवॉर्ड दे रहे हैं, ये बेनिफिट होगा, ये नंबर मिल जाएगा, या ये मिल जाएगा, ये पिक्चर का टिकट में बांट देता हूँ, किताब पुरस्कार के रूप में, बहुत तरह की चीजें मैं देता रहता हूँ। तो या तो साम से समझाने से समझेगा या दाम से समझेगा, और जो साम और दाम से नहीं समझेगा वो दंड से समझेगा, जो उदंड होता है वो दंड से ही समझेगा, और दंड नहीं तो फिर भेद। यानी कि हमको उसमें बुद्धि भी ये लगानी पड़ेगी कि कैसे इनको हम किस तरह से विभेदित करें कि भाई वो जो मेरा लक्ष्य है वो हासिल हो सके। तो हम तो यही करते हैं, साम दाम दंड भेद हम सबका प्रयोग करेंगे, जो जिस भाषा को समझता है उसको उस भाषा से समझाना पड़ेगा। और ये शिक्षक के पास ये अधिकार जो है ना, शिक्षक जो है वो कुम्हार है, कुम्हार को बोलिए कि बिना आग में तपाए बर्तन बना दो, बिना ठोके बजाए बर्तन बना दो, नहीं संभव है। कुम्हार को तो बर्तन को हर तरीके से तपाना होगा और तभी वो बर्तन मजबूत बनेगा। लेकिन जो आनंद आप बच्चों को ज्ञान को समझा करके दे सकते हैं, और अगर जो समझ जाएगा, जो उड़ंड है उसको आप कितना भी वो कुत्ते की पूछ को आप 6 महीना भी परखमली में रख दीजिएगा फिर वो टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए जो पात्र होगा वहां पर वो शाम से ही काम हो जाएगा। हाँ सर, चलते चलते एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और हो सकता है कि दिस क्वेश्चन विल ट्रिगर ए लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ।
देश कौन बदलेगा, शिक्षक या शिक्षा मंत्री? सोच समझ के जवाब दीजिएगा सर, शिक्षा मंत्री हो सकता है इस वीडियो को देखें। नहीं, इसमें विशेष सोचने का विषय नहीं है, चाहे शिक्षक हो चाहे शिक्षा मंत्री हो, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। अगर शिक्षा मंत्री चाह जाए कि हमें शिक्षा को इंश्योर करना है, अगर आज बिहार में आप देखते हैं परीक्षाओं में कदाचार हो जाता है, या कई बार कहते हैं कि जो छात्र को नंबर आ रहा है छात्र उतने नंबर डिजर्व नहीं करते हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, अगर आप 2 साल कदाचार मुक्त परीक्षा करा दीजिए और छात्र को बस उतने ही नंबर मिले जितने नंबर उसको कॉपी डिजर्व करती है, आप देखिए आपकी शिक्षा व्यवस्था में सुधार होता है कि नहीं होता है। और आप ये देखिए कि अगर जो अभी भी अभियान चलाया गया है, अगर इसको सही मामले में इसको लागू कर दिया जाए कि हर एक शिक्षक जो है वो समय से क्लास लेने के लिए आए और वो बच्चों की पढ़ाई को सही से इंश्योर करे, तो कैसे सुधार होगा? लेकिन मैं कहता हूं कि जब तक ऐसे कोई शिक्षा मंत्री नहीं आते हैं, क्या तब तक शिक्षक हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? क्या शिक्षक किसी शिक्षा मंत्री की कड़ाई का मोहताज रहेगा? शिक्षकों को स्वयं जागृत होना होगा, और इस देश को, इस धरा को शिक्षकों ने जागृत किया है, उनको तो स्व जागृत होना ही पड़ेगा, उनका धर्म दूसरों को जागृत करना है। वो जो चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक साधारण नहीं होता है, आप एक शिक्षक चाहे तो साम्राज्य को बदल सकता है, तो शिक्षक को समझना पड़ेगा कि उसकी क्या भूमिका है, उसकी क्या समाज में उसकी क्या योगदान होना चाहिए। और यहां पर मैं समझता हूं कि अगर देश के शिक्षक जागरूक हो जाएं तो बेहतर शिक्षा मंत्रियों का निर्माण होना ये संभव हो पाएगा, क्योंकि जब जनता पढ़ी लिखी होगी, जब छात्र नौजवान जो है वो अपने देश का भला सोचेंगे, अपने विकास को सोचेंगे, वो अपने जाति और अपने धर्म को नहीं सोचेंगे, वो वोट देते वक्त जब बेहतर भविष्य को सोचेंगे, तब देश में बेहतर नेताओं का जो है वहां पर उनको उनको जिम्मेवारी मिलेगी और बेहतर शिक्षा मंत्री देश को मिलेंगे। तो ये सब भूमिका में कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि शिक्षक की भूमिका जो है वो अहम प्राथमिक है, वो महत्वपूर्ण है। दोस्तों मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने काफी इंजॉय किया आज के सर के साथ इस टॉक को। मन तो नहीं कर रहा कि शो को अभी यहीं पर विराम दें, क्योंकि समय की भी अपनी एक सीमा है। बहरहाल आज के शो में हमारे साथ थे बिहार के जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर नीरज अग्रवाल सर, जो कि एक रेप्यूटेड एजुकेटर है, टीचर है, ट्रेनर है और सीमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर भी हैं, और साथ ही साथ एक सफल सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं। दोस्तों यह एपिसोड कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कीजिए प्रॉपर रेफरेंस के साथ, मैं या नीरज सर आपके उन सभी सवालों का जवाब देंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। थैंक यू।